पंडित जी, भैया तो हमें भगवान कन्हैया का दरबार बता दो, कहाँ दरबार है, मैं वहां मिल लूंगा भगवान से। पंडित जी को बताया है आगे चले जाओ सीधे, सभी स्वयं बलराम भगवान श्याम सभी वंशी बैठे होंगे, जा सीधे सामने बहुत ऊंची सी हवेली बनी। पंडित जी चले, बलदाऊ बैठे थे। पंडित जी बोले, भैया तुम लोगन में घनश्याम कौन है? बलराम बोले, बू कोने में बैठो कालो कलूटो, वो सामने। पंडित जी चले, जो देखो है, हाय पंडित जी तो झुझला ही है, भगवान काले कलूटे रहे। पंडित जी बोले, हाय बिटिया तो ठगी है, और माता बहनो भगवान कन्हैया ने कछु ढेड़ी ढेड़ी चितवन करी, जो ढेड़ी ढेड़ी चितवन करी। पंडित बोले, हाय जो तो ढेड़ा है, गजब है गो बिटिया रुकमणी, तूने मोह परेशान करो, जो ढेड़ा जा से बढ़िया था सस पा ली है तो। लेकिन भगवान ने मुस्कराया है, भगवान की मुस्कुराहट ने पंडित जी के अंतःकरण को शुद्ध कर दिया। पंडित बोले, काले तो हैं लेकिन बड़े उजाले हैं कन्हैया। ओ कन्हैया, हमें तुमसे एकांत में मिलना। बलराम बोले, कन्हैया जा पंडित दान दक्षिणा की बात करें, यहाँ इसलिए नहीं कह रहे कि शर्मा रहे सब लोगों के सामने, एकांत में मिले आओ, जाओ एकांत में। ठीक है भैया। पंडित जी को लेके भगवान कन्हैया एकांत में गए तो पंडित जी ने बहु पुरथन्ना लंबो सो पत्र निकालो, बाई में खत रहे, वो खत निकाल के भगवान के हाथों में दबाया। भगवान बोले, ये क्या है? पंडित जी बोले, कन्हैया पंडित जी कहां से आए तुम? पंडित जी समझाते हुए बोले, श्याम पंडित ने कही हे गिरधारी, और मैं कुंदनपुर से आया, रुकी मेरी तुम्हारी दासी है, रुकी मेरी तुम्हारी दासी है, उसका संदेशा लाया हूँ, रुकी मेरी तुम्हारी दासी है। बहुत सम्मानीय प्रेम सागर, जो इसी पवित्र भूमि, पवित्र स्थान, पवित्र धाम, पवित्र ग्राम गड़े के प्रभा के रहने वाले हैं, जिनके कर कबलों से हमारे गले में ये पुष्पों का हार डाल के सम्मानित कर रहे, सदा ही भैया प्रेम सागर को भगवान हमेशा ही सदबुद्धि प्रदान करते रहे, धर्मकार से जुड़े रहेंगे प्रभु से कामना करते हैं। और इसी के साथ साथ भ्राता जी मानवर, जो इस कार्यक्रम में अहम भूमिका निभा रहे हैं, चरण सिंह भैया की तरफ से जो हमारे गले में हार आया है, ये पुष्पों का भगवान कन्हैया सुख शांति प्रदान करते रहें, सदा ही भैया को इसी प्रकार से दान धर्म करने के लिए सदा ही मंगलाचरण होता रहे इस ग्राम में, प्रभु की असीम कंपा हो। और इसी के साथ साथ भ्राता जी मानवर बबलू भैया की तरफ से जो हमारे गले में पुष्पों का हार आया है, जो श्री ग्राम गड़े के प्रभा के रहने वाले हैं, हम तो यही प्रार्थना करेंगे सदा इन भाइयों को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करते रहे, इनकी हर मनोकामना पूर्ण हो, इनके कदम दान धर्म की तरफ बढ़ते रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। बेटा प्रिंस राजपूत जो गड़े के प्रभा श्री ग्राम के रहने वाले हैं, भगवान इस बच्चे को दीर्घायु प्रदान करें,
सदाई पढ़ लिख करके माता पिता का नाम रोशन करे। रुक्मणी भीष्म की कन्या जो तुम्हें दिल से चाहती है, लेकिन उसका भैया दीवार बन के खड़ा हुआ है। रुकम ने अपने साले शिशुपाल को बुला लिया, कन्हैया वो लड़की तुम्हारे बिगर मर जाएगी। पंडित जी के वचन सुन के भगवान कहने लगे, हम तो जानते भी नहीं रुक्मणी को। और सुनो पंडित जी, हमारे यहाँ आएगी रुक्मणी तो दासी बन के रहेगी, शिशुपाल के यहाँ जाएगी तो पटरानी बन के रहेगी। कह दो उस लड़की से वो शिशुपाल के साथ शादी कर ले। पंडित बोले, श्याम वो लड़की मर जाएगी, वो तुम्हें दिल से चाहती है। श्याम ऐसे शब्द मत बोलिए, श्याम ये तो अन्याय है, वो तुम्हें दिल से चाहती है। भगवान कन्हैया बोले, दिल से चाहती है तो मैं क्या करूं। पंडित जी बोले, कन्हैया चलो साथ में। भगवान बोले, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले हमें बलराम भेजेंगे नहीं। क्यों नहीं भेजेंगे? बोले हमारी बचपन की आदतें बड़ी खराब थी। कैसी? किसी की मटकी को तोड़ना, अच्छा, किसी गोपी के घर में घुस जाना बिना इजाजत के, अच्छा, किसी की रास्ता घेरना, किसी की चुंदर को पकड़ना, किसी के वस्त्रों को चुराना, तो हम इतने बदनाम हो गए कि हमें बलराम कहीं भेजते नहीं। और भगवान की आदत तो खराब आती है परीक्षित जी। हैं? बोले भैया बलराम हमें पंडित जी भेजेंगे नहीं तो मैं नहीं जा पाऊंगा बगैर अज्ञान सार। पंडित जी बोले, कोई उपाय? बोले उपाय तो है। क्या उपाय? भगवान बोले, जब हम तुम्हें सभी लोग छोड़ने के लिए चलेंगे, उसी समय तुम चलना, थोड़ी दूर तक चलने के बाद खड़े ही खड़े पछाड़ खा के गिर जाना, पेट पकड़ के खांस वो चालू है जइयो। तब भगवान से हम कहेंगे, जब बलराम कहेंगे घनश्याम क्या हुआ पंडित को, तब हम बलराम से कहेंगे, भैया पंडित बूढ़ो है, मरी हो तो ब्रह्मत्या लगेगी। बलराम कहेंगे, कन्हैया तो कुछ दूर तक चले जाओ, रथ में बैठा लेके तुम्हें हम कुंदरपुर में छोड़े आए हैं, उधर से गोनो और ब्याह दोनों कर रहे हैं। ठीक है कन्हैया। पंडित जी को समझा दिया है, भोजन पान किया, पंडित जी चले। जैसे ही चले बलराम बोले, पंडित जी और दो चार दिन रुक ले। बोले ना लाला, बच्चा भटक जाएंगे, पंडितानी दर दर भटकेगी, ब्राह्मण केवल गोधन भिक्षा, भिक्षा मांग मांग के गुजारा करते हैं। कि अब आज्ञा हमें को दे दीजो, अरे हमें अपनी घर को जानते राजवीर। कौन गाँव बेटा? गाँव प्यारो कौन सा लाला? नौरंगपुर नगरिया सजवाए हैं बेटा की तरफ से। हमारे गले में ये मुद्रा पुष्पों का हार आया है, 11-11 मुद्राओं से हमारे समस्त साथियों को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इस बच्चे को दीर्घायु प्रदान करे, पढ़ लिख करके माता पिता का नाम रोशन करे, यही प्रभु से कामना करते। हमें अपने घर को जा
जी चले एक वंशी छोड़ने के लिए पंडित जी को जैसे ही परीक्षा जी लेके चले, बलराम बोले ठीक है पंडित जी। परीक्षित महाराज दोनों तरफ से राम जोहार भाई, पंडित जी ने यदवंशियों को राम राम, यदवंशियों ने पंडित जी को राम राम। उसी समय पंडित जी चले, बलराम जी अपने राज दरबार की तरफ चले। भगवान कन्हैया बोले पंडित जी का भूल गए, बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। सोई माता बहनों पंडित जी आगे बढ़े और पेट पकड़ के पंडित जी ठाड़े ते पछाड़ खा के गिर गए और खांस भी चालू है गए। भगवान कन्हैया बोले बलराम भैया बलराम भैया, ए पंडित को का है गो। बलराम बोले कन्हैया का है गो, दौड़ो दौड़ो। सब यदुवंशी दौड़े, क्या देखा सो पंडित जी को सांस उठा ना है, सांस खड़ी आंखी टांग गए। अम्मा ता बेनो भगवान बोले बलराम भैया पंडित मरिए तो ब्रह्म हत्या लगेगी। बलराम ने कहा कन्हैया ऐसा करो पंडित जी को उठाओ और चलो ले चलो इनकी सेवा करो, कमजोर है बेचारे, चाचा दस दना जो मठा पियो सो सतर है जे।